नौटंकी सुनने वाले सभी साथियों को नदीम लखनवी का आदाब। गोल्ड ऑडियो कैसेट पेश करते हैं अकील पेंटर की लिखी व नदीम लखनवी द्वारा निर्देशित एक धुआंधार नौटंकी, शेरे बिजनौर सुल्ताना डाकू। जिला एक बिजनौर है, जिला एक बिजनौर है, शहर नदी बाबा उसी शहर का दोस्तों है सच्चा संवाद। अरे सूखा भैया, जयराम जयराम जयराम। कहा? अरे कहीं कहा यार भैया, बहुत ठंडक लग रही है, चलो प्रधान जी से मिला जाए, थोड़ी थोड़ी दारू पिया जाए। दारू? हाँ। अरे दारू आ तो हमरो भी एक जू चाहत है हो। अरे बहुत जू चाहत है, इतनी ठंडक लग रही कि देही कटकटा रही है। मगर सरदार जी से कही को। हाँ को कही, आप कहो। हम कही? हाँ। मरवई हो भैया, तुम कहो। हम कहे कही हो? नहीं तो चलो भैया, तुम ही ने कहा। ऐसा तो एक बड़ा शौक है। ऐसा है, थोड़ी थोड़ी बात कहो, थोड़ी बात तुम कहो, थोड़ी बात हम कही, थोड़ी बात तुम कहो। हाँ जी, मारे जाए तीनों जने मारे जाए। हाँ, तो तीनों जने दारू पी। हाँ, जैसे हम कही। हाँ, कि हम प्रधान जी थोड़ी थोड़ी पीना चाहते हैं। हाँ, तुम क्या कही हो? हम कही भाई थोड़ी थोड़ी लेना चाहते हैं। लेना नहीं, पीना चाहते हैं। हाँ, पीना चाहते नहीं, पीना चाहिए था। हाँ, चाहिए है, चाहिए है। चलो चला जाए, चलो चलो। प्रधान की जय हो। जय हो, जय हो प्रधान। कहो सुखा, यहाँ किस लिए आए हो? हम लोग थोड़ी थोड़ी दारू पीना चाहते हैं। क्या तुम लोग दारू पीना चाहते हो? अरे आज सर्दी बहुत लग रही है प्रधान जी, थोड़ी थोड़ी हमका लोगों का पिया दियो। मगर अच्छा ध्यान रहे कि सरदार के आने का वक्त हो रहा है, आप लोग थोड़ी थोड़ी ही पीना। अरे प्रधान जी, हम ज्यादा नहीं पिया, हम बस चार बोरी अभी पीबे खाली। अबे चार बोरी पिएगा? बस ज्यादा नहीं, चार जरी कैन। अरे जरी कैन? अबे बहुत ज्यादा हो जाएगी। प्रधान जी, ए तो उका का बोलते हैं जो पिलाटी के सफेद सफेद पाओ छो। हाँ, एक एक पैकेट। हाँ, एक एक पैकेट का मजा ही है। एक एक पैकेट नहीं, एक एक बोरिया वहाँ प्लास्टिक वाली। हाँ हाँ, वही वही। अच्छा ठीक है, सरदार आने का वक्त हो रहा है। हाँ, आप लोग थोड़ी थोड़ी पीना। लो भैया सुखा, लो तुम पियो। हाँ, हाँ, लाओ। वाह, क्या मजा आ रहा है। वाह यार, ऐसा कुछ गाना हो चाहिए। करे सामना बुतखाने में क्या बरात है, चैन मिलता है तो साकी तेरे मैं खाने में। न हरम में न सुकून मिलता है मैं खाने में, और चैन मिलता है तो बस नाली के गिर जाने। अरे भैया, नाली के गिर जाने में? अरे जब तक दारू पी के नरदहम ना गिरो का मजा आई। यार तो बात है, खैर कोई बात नहीं, दारू पी के जब तक दो चार जूता ना खाओ तो का आनंद। हम लोग हरामी, पैदाइशी हरामी है। अरे दुनिया यूँ न जाने कि हम लोग दारू पी है, हम लोग डाकू आई। और आज मौसम बड़ा और बेईमानी है बड़ा, मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। काली काली मेरा पता है धरा पूरा सामान है। अबे क्या कह रहा है ये, क्या है पूरा सामान बाहर धरा है? हमारे लोगन पूरा सामान तो बाहर रखा है। अरे सब हथियार, बंदूक और हथगोला और कट्टा सब बाहर तो धरे हैं। अच्छा अच्छा, ये बात। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। मेरे यार है हो बारे, दिल किया मैंने तेरे हवाले, मेरी मर्जी अब बात है। क्या मुराद के शेर तो अखन निकालू, सरदार मुराद के शेर तो अखन निकालू,
और सीना सभी का चीर समंदर उछाल दूं। अरे दादरी, शोरा है मेरे नाम का, शोरा है मेरे नाम का हर सुजहान में, शाम के छक्के छूटते सुल्ताना के नाम से। अरे भैया, ये तो सरदार जी प्रधान कहिए। सरदार जी, जिधर भी देखता हूँ मैं उधर बादल नजर आती, बताओ तो मुझे प्रधान क्या नजरें झुकी जाती। सरदार जी, आपके आने के इंतजार में सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी पी रखी है। हाँ सरदार जी, हम लोग थोड़ी थोड़ी पेन, ज्यादा नहीं पेन, बस चार चार बोरिया पेन है। हाँ, माई बाप बहुत थोड़ी थोड़ी पिए हैं। हाँ, तो तुम लोगों ने शराब पी है? नहीं, शराब नहीं पिए, शराब होते खराब, दारू पिए है मालिक। कोई बात नहीं प्रधान, कहिए सरदार जी। अपनी अपनी ड्यूटी पर आते सभी नजर, आता नहीं है मुझको सुमिरना कहीं नजर। सरदार जी, वो सुमिरना शराब पी रहा है और पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं, जाम बदल जाते हैं, काम बदल जाते हैं, लोगों के नाम बदल जाते हैं। अरे भैया सुखा, वो देखो सुमिरना झूम मचा रहा है। अरे हाँ, बोतलो भाई कहिए, चल के चलो पकड़। ये परवाना ये शमा महिमा है एक रात की, महिमा है एक रात, छेड़ी देना। अरे यार क्या बात है, दारू लागत है बहुत नशे। छेड़ी देना दिल की बात, डर है बस इस बात का, डर है बस इस बात। अरे सुमिरना, तुमने आज बहुत दारू पी रखी है। अबे कौन है बे? अरे यार, हम लोगों ने बहुत कम थोड़ी थोड़ी पिया, मगर तू बहुत नशे में है। हम दोनों सूखा गीला भैया। अबे गीला, अरे ये बताओ तुम लोग यहाँ क्यों आए? हम आए नहीं, दारू तुम्हें पिया दे भैया। काहे पिया दी? अरे का सब तुम पी हो और क्या, हम लोग पी लेन भाई। कौन हमारे तुम लगते हो, हम तुमको दारू पिलाई हो? हम तुम्हारे लागे थे भाई। अरे गिरोह में हम भी हैं, तुम भी हो, ये भी है, सूखा गीला दोनों हैं, तो हम तुम्हारे हैं भाई। ना थोड़ी दारू पिलाओ। तुम लोग आज से मेरे भाई और मैं तुम लोगों का बाप। बाप बाप बता रहा है बाप। अरे बाप यार, थोड़ी देर के लिए बाप ही समझ लो, चलो पी लेते हैं मिलकर। चलो पी लेते, चलो लाओ भैया, चलिए हम पिया दो। लो पियो, लाओ लाओ, चलो हमने साथ चलो। तुमका अपने घर में बहुत शराब पिए हुए। हाँ, खूब मुर्दा खवे हुए। मुर्दा खवाइयो? नहीं, दावत भवा यार, हमरे दुल्हन के लौंडा भवा है, तो हम समर बैठे हैं, तुमको तुमका वो खुशी दारू पिए हुए। हाँ चलो, चलो तुमको भूना आलू खिलाएंगे। चलो 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 चलो, ले चलो, 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 चलो। सरदार की जय हो, जय हो। ये देखिए सुमिरना। कौन? सुमिरना। हाँ सरदार। इस घड़ी दे रहा कौन पहला तेरा, आ रहा तू कहाँ से बता दे सही, हुक्म जो भी हमारा नहीं मानता, राह सीधा दम की दिखाता कभी। ये अपनी ड्यूटी पे रहता और मुकर सदा, आपके हुक्म को टालता हूँ नहीं, और देखा कुछ लोगों को आज पीते हुए, और देखा कुछ लोगों को आज पीते हुए, इस सब थोड़ी पी है बताता सही। ये तुझको समझा हटाओ से है बहुत, फिर भी हरकत से तू बाज आता नहीं, आज सच सच बता दे सुमिरना मुझे, वक्त से अपने पहरा क्यों देता नहीं। ये माफ सरदार और मेरी खता कीजिए, और आज से हुक्म कोई न ठुकराऊंगा,
और बख्श दो आज मेरी खता, बख्श दो आज मेरी खता, अब सदा हुक्म तो मैं बजा लाऊंगा। मेरा दस्तूर है ये पुराना बहुत, जानते शहर के सभी है बशर, एक गलती पे देता सदा मौत की, आज से सुनाए किसी को नहीं। सरदार जी मेरी जान बचती है, मुझे गोली मरवा दिए, मैं कभी नहीं पीऊंगा। ये ले अपना इनाम। कहिए सरदार जी, इसकी लाश को पहाड़ों के नीचे डाल दो। ठीक है सुखा। हाँ प्रधान जी, इसकी लाश ले जा करके पहाड़ी के पीछे डाल दी जाए। गीला भैया, हाँ भैया, देखो ससुरे सुमन्ना कहीं यहाँ कितना समझावा कि इतनी दारू ना पिया करो, आप तो चले गए। हाँ आप चले गए। अरे बोले ए दादरी रे, दादरी अबे दादा, अभी खोदाई की चिप्पा को हनकी रे, अरे मोरे गपैया रे। अरे गपई नहीं आई रे भगवान, अभी तो नीक नीक खड़े रहे, हपस घुट गए सतरनी करी गवारे। चलो मुर्दा उठाओ। चलो भैया उठाओ, उठाओ ले चलो। राम राम सत्य है, रोल साला मर्द है, हमका उठाओ पर्द है। सरदार, कहिए सरदार जी, तुमने कुछ सुना है? मैंने तो कुछ नहीं सुना है। कुछ नहीं सुना तो फिर गौर से सुनो। क्या बात है? बात हमारी गौर से, और ये सुनिए प्रधान, खबर सुनी किस रोज से और हूँ काफी है। सरदार जी, जब आपको यहाँ यूपी की पुलिस नहीं गिरफ्तार कर सकी तो लंदन से आने वाले मिस्टर यंग क्या गिरफ्तार कर सकेंगे? जब तलक के हम लोग आपके साथ हैं, आपका बाल भागा नहीं हो सकता। प्रधान, कहिए सरदार जी, ये भी मालूम होना चाहिए, कमिश्नर यंग कोई मामूली अफसर नहीं, बहुत तजुर्बेकार अफसर है, इसलिए होशियार रहना बहुत जरूरी है। अरे सरदार जी कैसे फंस जाएंगे उनके दाम में, जब ना रहेंगे हम गाफिल काम में। पुलिस को धोखा देना, पुलिस को चकमा देना हमको अच्छी तरीके से आता है। जिस जगह रहिए वो खटका से सोना चाहिए, आज से मौके पर कभी गफलत न होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। सरदार जी मेरे होते हुए आपका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता है। सुखा जी, आज तुम्हारी ड्यूटी उसी काली पहाड़ी पर है जहाँ सुमिर ना पहरा दिया करता था। सरदार जी काली पहाड़ी, सरदार जी हम अपने औरतिया के गएल, हमका हुआ ना भेजो। भेजा तेरी औरत को मैं संभालूंगा। अबे हमारी औरत धुंध बलियो, चूतिया मारब कनपटा लील जी हो। सरदार जी वहाँ जो कोई जाता ज्यादा दिन नहीं रुकत है, कुछ दिन में उनका राम राम सत्य हो जाता है। हाँ तू जा तेरे घर मैं संभालूंगा। अबे हमारे घर में तुम संभालियो या ना, हमें हमारे घर का बीसीआर तुम चले हो, तेरी माँ का भोला। अबे जाता है जा, उठाओ बंदूक। नहीं जा रहे सरदार जी, जा रहे हैं, मगर इतना याद रहे पहला होशियारी से देना। बहुत अच्छी बात सरदार, जा सकते हो। जा तू जा, तेरी मौत आई है। आए बना बड़ी धूम से मोती झाड़ेगे, एक और दो और तीन,
कौन है बे लौंडे? मैं तुम्हारे सरदार से मिलना चाहता हूँ। सरदार जी से मिलना चाहते हो? अरे अच्छा, वो दाढ़ी वाले सरदार की बात कर रही हो? नहीं, तुम्हारे गिरोह के सरदार। गिरोह के? हाँ। अच्छा, जो ट्रक चलाते हैं, जो भीड़ों में रहते हैं। भीड़ों में रहते हैं? अबे ये तो हमारे सरदार की बात कहीं, ये साला जासूस तो नहीं लगता है। ए, पहले इधर आओ। नहीं, मैं तुम्हारे सरदार से मिलूंगा। पहले हम तुम्हारे लेंगे क्या तलाशी? मैंने तलाशी दूंगा। हो सकता तुम साले कोई पुलिस के आदमी हो, है? हम पहले लेंगे, उसके बाद तुमको वहाँ जाएंगे सरदार जी के पास। अच्छा कहे हो, एक बताओ, तुम बीड़ी पे थो कहा? नहीं, नया झूठ न बोलो। एक बीड़ी हो दे दो हमका, उधर दो दो बंडल रखे हो सामने। नहीं, मेरे पास नहीं है। अच्छा ये बीड़ी ना कहो, राम बलराम हो रहे धरे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि हम सरदार के पास जैसे जाएंगे तो यहाँ का मोर्चा कौन संभालेगा? हम। तुम संभाल पाई हो? हाँ। बड़ा यार चिकना चुपड़ा लौंडा मालूम देते है, या अल्लाह भगवान भैया बड़ा मुलायम चारा भेजे हो। ए चलो यार, तुमका पहले गन्ना तो साले घर। नहीं, मुझे नहीं जाना है। नहीं जी हो ना। ले, या ले बंदूक लाओ और ये कारतूस के बेल्ट, और देखो कोई आवे इधर तो फौरन तुम गोली मार दो। ठीक है, जाओ है? जाओ, एक दो तीन के कहना। ठीक। अच्छा जा रहे हैं। सरदार की जय हो। जय हो सरदार जी। क्या खबर लाए हो सुखा? सरदार जी आपके कोई दोस्त मिलना चाहते हैं। क्या नाम है? वो यही कहा है कि आपके दोस्त हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ नाम निशान? नाम निशान तो नहीं बताए। फिर क्या पूछ कर आए हो? जाओ उनका नाम पूछ कर आओ, कौन है वो? बहुत अच्छी बात है। ए बे लौंडे, क्या है तुम्हारा नाम? क्या है मेरा नाम? हाँ। फूल सिंह। फूल सिंह? हाँ। बहुत अच्छी बात। सरदार उसका नाम है फूल सिंह। फूल सिंह? हाँ। अपने ब्याह में 300 आदमी हैं, लेकिन फूल सिंह का कोई भी नहीं। ये फूल सिंह कौन है? अबे ऐसा तो नहीं पुलिस का कोई मुखबत में उल्लू बना रहा हो? नहीं सरदार जी, जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। तुम्हारा हथियार? अरे वो है पास हवे। बेल्ट? वो है पास हवे। जाओ जा थनर। अबे लौंडे, एक दो तीन। अबे लौंडे तुम हमका मार खवा दे हो का हो? क्या है? अपना नाम पता नहीं बताओ थे। सही सही, फूल सिंह कोई है नहीं गिरोह में। यहाँ लो अपनी बंदूक। रुक जाओ, लाओ हमें बंदूक लाओ। अब सर सुनो, फिर से लिखो, फिर से नाम बोलो। हम जा रहे हैं बांध के हैं लेके जीवे। ठीक है, बोलो एक एक कड़ी बोलो। आपकी हाँ प्यारी 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 है यार, डंडा लगा थका। हाँ प्यारी। हाँ फूल फूल भैया ऊ कर मात्रा। हाँ अच्छा फूल। कुंवर? कुंवर आपसे? आपसे मिलना चाहती है। मिलना चाहती है। अच्छा हम जा रहे हैं, ये लो अपनी देर, थोड़ी देर और हमारा सामान रोको। लाओ। हाँ सरदार की जय हो। जय हो सरदार जी। अब की नहीं भूले ना, अब की बांध के लेके आने। क्या चीज? ये हम अंगूठा में अपने नाम बांध के लेके आने। अबे बेवकूफ, नाम और वो भी बांध कर लाए हो? हाँ सरदार जी। बोलो प्यारी प्यारी अम्मा तुम्हारी। नहीं ये गलत होगा सरदार जी। अब भाई हम जा रहे हैं, फिर से जा रहे हैं। पूछे जी, खाल खींच लूंगा। नहीं सरदार जी, अब गलता न हुई है। हाँ बे लौंडे, क्या है तुम हमका बेवकूफ बना रहे हो? आए? अबे नाम पता अपना सही बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम? हाँ मेरा नाम है फूल कुमारी। फूल कुमारी? हाँ। अच्छा हम कहीं का है, तुम चिकने चुपड़े नजर आवा था। अच्छा रुको हम जा रहे हैं। सरदार की जय हो। जय हो सरदार जी। आपके दोस्त फूल कुमारी आई हुई। क्या कहा? फूल कुमारी। दोस्त नहीं, वो मेरी प्यारी फूल कुमार है। हाँ वो हम तो दोस्त बताया था। सुखा हाँ। तुम्हें याद होगा, ये वही फूल कुमार है जिसके कोठे पर हम छुप छुप कर गाना सुनने जाया करते थे। अच्छा या वहाँ फूल कुमार आए तो कहे ना भाई, तुम्हारी याद करे सरदार जी। काफी दिनों के बाद हमसे मिलने आ रही है। हाँ। जाओ उसे इज्जत के साथ लाओ। हम कहला गया सरदार जी, आज खिचड़ी गबड़े के नंबर आए गवाए। जाओ पकते हो। जा रहे हैं। ए चलो। कहाँ? चलो सरदार जी बुलाए नहीं। ए ठीक है चलिए। चलो अर्रीम होकर निकल चली। नहीं मुझे नहीं जाना अर्रीम में। अरे चलो ना। अच्छा चलो पुलिया होकर अंदर निकल चली। मुझे पुलिया लिए नहीं जाना, मैं सरदार जी से कह के तुम्हारी बहुत मार कराऊंगी। पुलिया के नीचे होकर चलो, दो मिनट लगी है। ऐसे सरदार जी से मार कराएंगे तुम्हारी जैसे तुम कह रहे हो? झाकर फुकवा ले हो। ठीक है। ए सरदार जी कबो कबो डालते, हम रोज डाले थे। ये भी कहेंगे सरदार जी कभी कभी डालते, हम रोज डालेंगे। चलो कहकर झाकर फुकवा ले हो। चलो सरदार की जय हो। जय हो सरदार जी। ये आपकी है कौन? प्यारी फूल कुमार या मोरे बजरंग बली बिलैया बाबा? क्या बात है, कैसे आई हो? पैदल यही है। खामोश, तुम जा सकते हो। बहुत अच्छी बात है, हम जा रहे हैं। किसे रोकिए सरदार जी? क्यों क्या बात है?
ये कह रहा था चलो पुलिया में घुस जाएं। अब मरो भाई, अब मरो भाई। क्या बे? अब मरो भाई। यार पुलिया के नीचे जाने का मतलब? सरदार जी अगर जवाब न मिला तो खाल खींच कर भूसा भर दूंगा। बहुत सही बात सरदार जी। जिस समय हम इनको काली पहाड़ी से लेकर के चले, देखा सामने से पुलिस की जीप आ रही थी और उधर से बड़ी वो जो ट्रेन की पटरी है ना उस पे माल गाड़ी आ रही थी साहब। तब देखे ना हम कहने बड़ा गड़बड़ हो गया। सामने गेट के रे फटका करे सामने मालगाड़ी आ गए और वह डेढ़ कोस के लंबी कब्बो पहुंचब कब्बो पहुंचब कब्बो पहुंचब। फिर हम कहें अगर कब्बो पहुंचब वाली बात करी देर हो जाए तब तक आगे पुलिस गाड़ी तो चलो पुलिया के नीचे होकर निकल जाए। 2 मिनट लगी है उधर गाड़ी पार इधर हम तुम पार। ये बात है हाँ। प्यारी फूल कुमार क्या अगर इसने ये बात कही तो ठीक ही कही क्योंकि पुलिस से हमें हर वक्त बचना पड़ता है। सरदार जी और ये कह रहा था कि चलो अर्रेम घुस जाए। अब की मरो भाई। सरदार जी क्या बे? जब काली वही जब ये अरहर के अंदर जाने का मतलब जब हम रेल की पटरी क्रॉस किए फिर देखा जब काली पहाड़ से जब नदी के किनारे आए तो देखा वो गाड़ी फिर घूम के आ गई हमारे सामने पुलिस वाली। हमने कहा बहुत बुरा हुई है तो चलो अरहरी घुस चली और 5 मिनट लगी है उधर गाड़ी उधर चली जी इधर हम तो पार हो जी भाई। यानी तुम लोग अरहर में छुप जाओगे हाँ। गाड़ी निकल गई तुम लोग भी निकल जाओगे। निकल ली भाई जा सकते हो। कहा बुरा कहन बुरा ही करती है खिदमत की। सरदार जी इसे रोकिए। ये कह रहा था कि सरदार तो कभी कभी डालते हैं मैं रोड डालूंगा। अब की मरवाई? अब की मरवाई? क्या सुखा सरदार जी अब तेरे पास क्या जवाब है? सरदार जी क्या मैं कभी कभी डालता हूँ और तू रोज डालता है? बात यह सरदार जी क्योंकि हम लोग ठहरे जासूस। हम लोग इधर तो जासूसी करने आते हैं और आप जो है तो डकैती जा रहे जाते हो बड़े बड़े महाजन लूटत हो तो यही कहन कैसा है जैसे जासूसी हम कर रहे गए और वहाँ देखे हमारे पास खर्चा नहीं है तो पहुँच गए जाए के यहाँ कहा मस्जिद में यहाँ और देखे दोपहर में मुसलमान भाई जब नमाज पढ़े के लिए सद्दा करे लागे जूता चप्पल बाहर उठा के लेके आए और जो नखा सब बेच लिए। यह मतलब आए हजूर कि हम रोज सरदारी कबो को उठा हम रोज उठाई थे। सबका जी इसीलिए तुमने कहा कि सरदार जी कभी कभी डालते हैं मैं रोज डालता हूँ। हाँ सरदार जी जा सकते हो। अच्छा सरदार जी जा रहे हैं कोई काम हो बुला लियो। जाओ हम गेटे धरे हैं। फूल कुंवर कहा हमका बोला सरदार जी? नहीं हम कहीं हमका बोला हो जा रहे हैं। प्यारी फूल कुंवर क्या बात है? सरदार मुझे 500 रुपए की जरूरत है। सिर्फ 500 रुपए? हाँ अरे मेरी जान मांगा भी तो क्या मांगा 500 रुपए चाहो मिल जाएंगे। डालते डाका हर रोज हो जाए फिर भी कहते हो के पास पाई नहीं करते क्या रुपया जो लूट के लाते हो आज तक राज मैं जान पाई नहीं। प्यारे फूल कुंवर तुमने ठीक ही कहा कि मैं जो भी लूट कर लाता हूँ वो क्या करता हूँ वो तुम्हें मैं बताता हूँ। लूट का जो भी लाता हूँ हर प्यारी मेरी लूट कर जो भी लाता लाता हूँ प्यारी मेरी वो गरीबों में तकसीम कर देता हूँ। बेसहारों का बनता और सहारा हूँ मैं लोटी भर पेट उनको खिलाता हूँ। किस काम की जिसकी दुनिया में हो बिल्कुल इज्जत नहीं छोड़ दीजिए डकैती कै काम अब ऐसे रुपयों में होती बरकत नहीं। प्यारी फूल कुंवर किस लिए कर रही हो हर बहस दिल रुबा किस लिए कर रही हो? कर रही हो बहस दिल रुबा छोड़ने पे डकैती न मजबूर कर चुलबुली चीज गाकर मेरी जान मन
और इस परेशानी को दिल से। प्यारी फूल कुंवर, क्या है? मुझे शराब पिलाओ और कोई चीज सुनाकर हमारे दिल को बहलाओ। आ गए दिल बल की रुस्त भाई, हमें मंजूर हो जाए सनम तू बे बापा के नाम से मशहूर हो जाए, सनम तू बे बापा के नाम से मशहूर हो जाए। सरदार की जय हो, जय हो। गोल्ड ऑडियो कैसेट्स के निर्माता नदीम लखनवी पेश करते हैं आपके लिए आपके मनपसंद कलाकारों के गीत, गजल, कव्वाली, नौटंकी, भोजपुरी गीत और भजन। धार्मिक प्रवचन हो या हो इस्लामी कव्वाली, गोल्ड ऑडियो की बात ही निराली। सरदार जी, इधर को भैंसा देखो। क्या भैंसा? अबे यहाँ भैंसा कैसे आ सकता है? सरदार जी, नहीं देखो तो बताओ। नहीं नहीं देखो, भैंसा देखो बता दो। बहुत मैंने कहा यहाँ भैंसे की क्या जरूरत है बे? बात यह है कि तुम हमारा बकरी गरमान है। आप बकते हो? हाँ सरदार जी। भैंसा और बकरी? हाँ। अबे जाकर कहीं बकरा तलाश करो। अरे सरदार जी, बकरा तो घर में दूध ही बांधे, उनका छोरे थे उजाल छाले गाना इंग्लिश में पका गाड़ चले जाते हैं। हमें फुल सत नहीं मिलती, हमें फुल सत नहीं मिलती, कभी आंसू बहाने से तेरे एक दूर जाने से, अगर तू पास आ जाए तो हर गम दूर हो जाए, अगर तू पास आ जाए तो हर गम दूर हो जाए। क्या बात है मेरी जान, क्या कमाल का गाती हो। सरदार और जासूस? हाँ। क्या खबर लाए हो? सारे डाकू का वारंट है कर चुका होगा, इस जगह रहना दुश्वार है, आपसे मैं सुनाता हूँ सच्ची खबर, आ रहे यंग करने गिरफ्तार है। मिस्टर यंग हमारी गिरफ्तारी के लिए आ रहे हैं। हाँ सरदार जी। यह खबर सुनकर तू इतना घबरा गया? हाँ सरदार जी। प्रधान, कहिए सरदार जी। इस पहाड़ी को खाली कर दो, लेकिन खाली करने से पहले शेर सिंह को हाजिर करो। सरदार, मैं यहाँ हूँ। कहिए क्या बात है? शेर सिंह, मिस्टर यंग के खाने की तरफ जाकर पता लगाओ कि मुझे पकड़ने के खातिर वो क्या क्या मशविरा कर रहे हैं। बहुत अच्छा सरदार, मैं अभी जा रहा हूँ। जा सकते हो, लेकिन होशियारी के साथ। प्रधान, कहिए सरदार जी। शेर सिंह हमारा खास आदमी है, हो सकता है पुलिस को देखकर डर जाए या उनसे मिल जाए, इसके पीछे तुम जाओ, देखो ये करता क्या है। सरदार जी आप फिक्र मत करे, मैं इसके पीछे जा रहा हूँ। गुलाम हैदर साहेब, तुझे नहीं मालूम कि इंग्लैंड से यंग साहब आने वाले हैं, होशियारी से ड्यूटी देना। क्या कहो, यंग साहब आने वाले हैं? अबे इंग्लैंड से बड़े एसएसपी कप्तान साहब आने वाले हैं। अरे तो हम क्या क्या कर रहे हैं? अब उन्हें यहाँ का चार्ज मिला है, जरा सावधानी से, होशियारी से, एक काप सीधी कर। बहुत अच्छी बात। यू बताओ कि वो कैसे क्या कर पाए उनके सामने हम? वो इंग्लैंड से आ रहे हैं और बहुत तमीज तहजीब से तुझे रहना है। अच्छा। सीधे खड़ा फटीम फटा चल। ओ साहेब, जयराम जी की। वाह, तुम क्या बोलती है? अब इनका बताओ हम क्या बोले थे।
गिलबेर से बकरे हैं। वो जयराम क्या होती है? जय हिंद सर। वो तो ऐसा माफी बोलना मांगती है। अरे मांगती नहीं, अरे अल्लाह मांग। तुम क्या बोलती है? अल्लाह क्या होती है? बोलती नहीं सर, बोलता है भाई। हम बोलती है कि तुम क्या बोलती है? ये गिरपिट कहा बोलत है यार। भैया देखो, हम 16 विश्व खरे बामन, हमका पक्की बात समझा दियो। नहीं हम बहुत उल्टे दिमाग के आदमी हैं। हाँ अरे उल्टे सीधे नहीं, जरा सीधे खड़े रहो। ये हमारे बड़े ऑफिसर हैं। हाँ थाना इंचार्ज हैं। अच्छा हाँ, जरा कायदे से रहना। ये गिटपिट का है बोलत है? ये बोलती है सर, हम लोग मर्द के बच्चे हैं दोनों। हाँ। ये भी मर्द का बच्चा है, मैं भी मर्द हूँ। ओए तुम लोग मर्द हैं? अरे यार मर्द नहीं है, ये हमारी शिक्षा लेकर करेंगे। आओ जिंदा में बताओ तुम लोग मर्द हो साहब? तुम इधर का कौन है? डिप्टी अबुल कासिम। यस तुम इधर का कौन है? कहा पूछा थे। अरे तुम्हारा नाम तुम कौन हो? तुम इधर का कौन है? हाँ हाँ साहब, हम यहाँ के चपरासी। और तुम चापरनासी है? चापरनासी बता दो, इनका समझा दो, उल्टा पुलट कर बोले। और सर ये यहाँ का गॉड है, गॉड। हाँ माय गॉड, इधर का गॉड है। गॉड आइन गवर्नमेंट आइन। तुम गवर्नमेंट है? बता दो। या सर ये साहब ड्यूटी करता है यहाँ पर। ओ माय गॉड, व्हाट इज देयर नेम? यू का कहा थे? बड़े साहब तुम्हारा नाम पूछते हैं। साहब हमारा नाम है गुलाम। नहीं वो ना बताई भाई। हमारा नाम है गणपत राय। ओ तुम्हारा गांड फट रहा है। अरे बप्पा रे, बतावत गांड फट रहा, गांड तुम्हारा फटत हुई है। चताओ नहीं कहे कितना हो जाए। तुम कहा साहब की बुरा हाल के हमारा गांड फट रहा है। अरे चुप कर यो ब्लडी है। अरे तुम इधर कैसा माफी बोलती है? कभी बोलती है गार फाट रहा है, कभी बोलती है चापर सर है। सर इसका नाम है गणपत राय। भाई हम बोलती है कि गार फाट रहा है। गार नहीं फाटा दिया, गार फाटा तो यार तुम्हारे, इनका समझा दो। तुम क्या बोलती है? हम तुम सूट कर देगा। साहब हमारा नाम है गणपत राय। भाई हम बोलती है तुम्हारा गार फट रहा है। गार फटा तो ये तुम्हारे और तुम्हारे घर वाले। अबुल कासिम क्या बोलती है? समझा दो। बड़े साहब इसका नाम है गणपत राय। देखो हम बताई, इनका यू नाव नहीं समझिए, हम दूसरा नाव बता देते हैं। अपना असली नाम बता। सर हमारा असली नाम है गुलाम हैदर, चलते हैं सदा पैदल। तुम गुलाम हैदर का बच्ची? अरे बच्ची बताओ देखो। ओ, गुलाम हैदर का बच्ची नहीं सर, बच्चा है ये, बच्चा। भाई हम बोलती है नर है। अंडू। भाई क्या गिरबिट तुम लोग बोलती है? इनके चदव समझे हम ना ये है। अबे ये क्या कह रहा है तू? मैं तो बता रहा कि अंग्रेजी इंग्लिश अलावादन है तो हिंदी जानत नहीं कि माँ का भोला। अरे तो क्या बोलती है? सारे चिपरा साले कबड़िया साले। सस्पेंड कर दिए जाओगे। तुम समझा दो, कह दो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। बड़े साहब ये आपकी तारीफ कर रहा, तारीफ का पुल बांध रहा है। ओह माय गॉड, वेरी गुड बॉय। वेरी गुड बॉय। भाई तुम कितना अच्छा बढ़िया आदमी है। बढ़िया नहीं, मारो तो कनपटा ले ली हो। अबे क्या कह रहा है? क्या बोलती है? इनका समझा अबुल कादिम। यस सर। हम जो पूछेगा तुम हमको बताएगा? यस। और तुम हमको ये बताना मांगती है कि इधर सुल्तानी किधर है? सुल्ताना किधर? अरे अब हम कहाँ बताए किधर सुल्ताना का, हमने जेब में रखा है। रातों दिन ही जाओ तरवान में, यहाँ जाओ तो समय समझ लो खाल नहीं रह गए। दौड़त पहाड़ी में, दौड़त ऐसी ढूंढत झूलियन में, सब कपड़ा नोच गए हमरे। अब सुल्ताना पूछे किधर है? और सर सुल्ताना के नाम से पूरी फाइल भरी हुई है। हम लोग यूपी की पुलिस परेशान हो चुके हैं। हमारी खबर पाते ही फौरन यहाँ से वहाँ वो निकल जाता है। तुम लोग इधर इंडिया में गवर्नमेंट की मुफ्त में तनख्वाह खाती है, सुल्तानी आर्श नहीं करती। हमको उधर इंग्लैंड से इधर इंडिया बुलाना मांगती। वो कैसा माफिक जुआन है इधर का तुम? उस सर मांगती ना कहा करिए, मांगता है। भाई हम बोलती है कि वही आप क्या कहते हैं, आएगी जाएगी खाएगी वो गुलाम हैदर की बच्ची। इनका कटहर खवाओ पड़ी है, अब इन सही हुई है। साहब गुलाम हैदर का बच्ची 10 किलोमीटर। तुम नहीं जानती सुल्तानी किधर है? नहीं सर हमको नहीं मालूम। आप नहीं जानती सुल्तानी किधर है? नहीं साहब हमें नहीं पता। यू आर माइंड, मैं बताती सुल्तानी किधर है। साहब आप बताइए। अरे बड़े साहब आज आए और आज ही इनको खबर मालूम हो गई। सुल्ताना किधर है? सुल्ताना सर किधर है आपको पता है क्या? सुनना मांगती है। बोलिए सर। सुल्ताना मौजूद है और इसी जिले दरमियान
और मगर हाथ आती नहीं और वो बाजी शहर। और ये उसको बतला देंगे। जितने नाम है स्वयं और उनमें हम जावेंगे, गिरफ्तार करके उसे काबू में ला देंगे। राइफल सभी संभालो जी, राइफल सभी संभालो और नहीं अब सोचो भालो। अगर न पकड़ा जावे तो शहर नजीबाबाद को एकदम कंगाल बनावे। गुलाम हैदर का बच्ची, अगर सुल्तानी अरेस्ट नहीं होगा तो इधर पूरे जितना इधर स्टेट रहता है नजीबाबाद में सबको कंगाल बना देगी। बहुत अच्छी बात सर। वार्ड देखना मांगती गुलाम हैदर जी। सर तुम इधर सुनना मांगती। चलो वो इधर सामने का, वो इधर देखना मांगती है सामने का झाड़ी कैसा माफी खिलना मांगती है, उधर का उन्हें देखना मांगती। हाँ साहब देखिए, आप भी देखिए ये झाड़ी क्यों हाल रही। कौन हो तुम? मैं एक इंसान हूँ। इंसान हो? हाँ। चलो हमारे साहब के पास चलो। चलो आओ साहब। ये रहा, तुम उधर झाड़ी में खड़ा हिलाती थी। हाँ खड़ा किस लिए था वहां? अरे पाजी शैतान, झूठ कहे अल्फाज कर ले लू तेरी। तू उधर खड़ी थी और दे बता किस लिए था तू आया इधर। दे बता किस लिए और था तू आया इधर, नाम क्या है बता तू है रहता तुम्हार। और बख्श दो जाल सच सुनाता सही। क्या बोलती सुल्तानी है? बाजा सुल्ताना ने मुझको देख कर अब जरा और कर रहे हैं आप सब बैठे क्या मछलिया, और उसका जासूस पकड़ कहता सही। जिसम तेरा गरम और फिर बताने में कुछ ना करेगा।
दिल यही रहूं आपके साथ में, करिए यकी मेरा हुजूर फर्क न हो बात को। तो तुम बता सकती है सुल्तानी इस वक्त किधर है, उसके पास कितना जवान है? हाँ सा मैं बता सकता हूँ, बोलना मांगती है। यहाँ से 40 कोस दूर गढ़ी नाम की जगह पर मौजूद है, 300 आदमी आपके साथ में रहते हैं। ओ माय गॉड, गुलाम हैदर भाई सुल्तानी 300 साहब ये तो हुमा से लावत है। अरे उसका कहा बोला था, वो किधर से लाती है बोलना मांगती? अरे भैया उसका कहा बोला था, बिलासपुर से। ओ माय गॉड, उधर बिलासपुर से उधर का आदमी इधर इतना लाती है? हाँ साहब। ओ इधर अपना इधर कितना जवान है? हाँ साहब, हमारे हाथ हमारे साथ में 200। ओ माय गॉड, इधर 200 बस 300? यस। वो कैसा माफी किधर का इंडिया पुलिस है? वो सुल्ताना माफी कितना छूट दे रखती है कि वो आदमी बढ़ाता जाती है अपन, ये बताना मांगती है। तुम इधर बताओ कि सुल्ताना को पकड़वाने में मेरी मदद करेगा? हाँ जरूर करूंगा। तो हम तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से इनाम जरूर दिलवाएगा, और आज से हम तुम्हें अपना इधर नौकर रखती है, तुम इधर 15 महीने माहवार पे नौकरी करेगा। गुलाम हैदर जी सर, इसका फोटो लिया जाए, इसका नाम पता नोट किया जाए, बाद में इसको छोड़ दिया जाए। बहुत अच्छी बात। ए खड़े हो सामने, ठीक है? हाँ जरा सीना फुला करके खड़े हो। जब 1 2 3 कहेंगे जरा मुस्करा दीजिएगा, ठीक है? 1 2 3 हाँ बहुत बढ़िया। ए अपना नाम पता बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? शेर सिंह। तुम्हारे बाप का नाम? बटर सिंह। तुम्हारी माँ का नाम? गुलाम हैदर का बच्ची। यस किलो। तुम जानती है कि वो तुम इधर इसका माँ का नाम नोट कराना मांगती है जी। फादर का नाम नोट कराना मांगती है, इसका नाम नोट कराना मांगती है, समझी? बहुत अच्छी बात सर। तुम्हारे गाँव का नाम? चाय माई। डाखाना? पता ही नहीं। जब पता नहीं तो लिखी का सर, यू तो रखा है। गुलाम हैदर जी सर, वो जैसा बोलती है तुम वैसा लिखना मांगती है साहब। तुम्हारा हाँ फिर से बोलो। वो तुम ठीक ठीक बोलना मांगती है। डाखाना? चाय माई। ग्राम? पता ही नहीं। मोहल्ला? है नहीं। जब है नहीं तो लिखी का सर, यू तो रखा रजिस्टर अपना ले। गुलाम हैदर जी साहब, वो बोलती है पता ही नहीं। पचौनी? वो ये लिखना मांगती है साहब। तुम तनुक हमका कैदे समझाओ, हमारी समझ में नहीं आवत है। अबे हुल्लू के डंडे तेरी समझ में नहीं आएगा। जिला चई मई। चई? लिख जिला। जिला चई मई। चई? डाखाना? है नी। है नी? है नी। मोहल्ला? पते नी। ब्लडी इडियट। ओ साहब, अरे तुम घर आओ तो यार। ओ साहब बताओ तो, पचौनी बता रहा। हाँ। बड़ा खराब गंदा आदमी पचौनी बतावत है वो। सर नाम पता नहीं किया साहब इसका। अबे लिख तो गया। हाँ। मेरा 10 बार ट्रांसफर हो चुका है जिला चैनी। हाँ। पतेनी मेरा चप्पा चप्पा घूमा पड़ा हुआ है। ओए तुम कैसा माफी बोलती, हम तुमको उड़ नहीं भेजेगा ट्रांसफर करके। अरे नहीं सर, अब मुझे वहाँ ना भेजिए, मैं आपके पास रहूंगा तो आप जैसे कहते हैं आएगी जाएगी, मुझको बिल्कुल वैसे ही बना देंगे। कितना बढ़िया आदमी है। बढ़िया नहीं, बढ़िया नहीं सर, अच्छे हैं अच्छे। हम मर्द के बच्चे। भाई हम बोलती है कि तुम बच्ची है। अच्छा साहब, भाई तुम जाना मांगती है, अच्छा। गौर से सुनना मांगती है, ठीक है? तुम जिस रास्ते से उधर जाएगा उधर क्रैश का निशान बनाता हुआ जाएगा, हम पीछे से उधर क्रैश का निशान देखता हुआ सुल्तानी की गिरोह तक पहुंचेगा, ठीक है? ऐसा ही करेंगे। ये लो पेंसिल। बहुत अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ। जाना मांगती है। सरदार जी गजब हो गया। क्या गजब हो गया प्रधान? सरदार जी ये शेर सिंह वहाँ मिस्टर यंग के पास जाकर के 15 रुपए माहवार पर नौकर हो गया और हम लोगों का सारा राज बचाकर बता करके वापस आ रहा है। शेर सिंह गद्दार निकला? हाँ सरदार जी। आने दो उस बदमाश को। सरदार शेर सिंह का आदाब। क्या खबर लाए हो शेर सिंह? अब किसी बात का कोई और खतरा नहीं, लौट इंग्लैंड या और लौट इंग्लैंड को यंग साहब गए, खतरा सुल्ताना डाकू कचारो तरफ, सारे अफसर यही मशविरा कर रहे।
रही है गद्दार। तेरी बातों का मुझे अबे होता नहीं यकीन, और मुझे फंसाने के लिए रची है तूने कर, अब क्या समझाना दान मुझे और जो फंसू वहां पे इनाम लो, आज सीधे ऊपर जाओ। नहीं सरदार जी, ऐसा मत कहिए, मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। खामोश, ये ले अपना इनाम। सरदार जी, ये फकीर आपके पहाड़ी के पास खड़ा था। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि हरी 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 हरी, स्वामी नारायण नारायण हरी हरी स्वामी नारायण नारायण। कौन हो, मुझे तुम यहाँ किस लिए लाए हो? कौन हो तुम महाराज? मैं और इस पहाड़ी में क्या कर रहे हो? मैं अपने ईश्वर का गुणगान गा रहा हूँ और उनके भजन के कीर्तन में लीन हो रहा हूँ। बनने की कोशिश मत करो, जो पूछा जाए उसका जवाब साफ साफ दो। कौन हो तुम? अगर जवाब नहीं दिया तो फिर गोली मार दूंगा। तुम गोली मारना चाहते हो? अच्छा पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? अगर इतने ही पहुंचे महाराज हो तो बताओ, मैं पकड़ा जाऊंगा या नहीं? हाँ, तू पकड़ा जाएगा, और जिस रोज तू 5 साल के बच्चे को अपनी गोद में खिलाएगा और 10,000 रुपया नजराना देगा, उसी वक्त तू गिरफ्तार हो जाएगा। क्या कहा? हाँ, जिस दिन मैं 5 साल बच्चे को गोद में उठाकर 10,000 रुपया इनाम दूंगा, उस दिन मैं पकड़ा जाऊंगा। देखो बच्चा, उससे रहा इधर। प्रधान, कहिए सरदार जी। वो महाराज कहाँ गायब हो गए? सरदार जी वो नजर नहीं आ रहे, पता नहीं किधर चले गए। तुमने सुना महाराज ने क्या कहा? हाँ सरदार जी। मैं सामने कोई बच्चा ना ले पाए, इस बात का मुझे याद दिलाते रहना। ठीक है सरदार जी। अरे सुना है, सरदार जी क्या कह रहे हैं? कोई बच्चा 5 साल का इनके सामने ना आ पाए, समझ लेना बहुत बुरा हो जी। हाँ सुखा, आज सारे गांव में ऐलान कर दिया जाए इधर पहाड़ियों में कि इधर कोई 5 साल का बच्चा ना आ पाए। कर्फ्यू लगवा दी जाए कहीं, हम का समझ में यही आवा था, चलो कर्फ्यू। नहीं कर्फ्यू। प्रधान, कहिए सरदार जी। हो इन बातों को, एक चिट्ठी लिखो मिस्टर यंग के पास कि सुल्ताना तारीख 3 को गंगापुर गांव में जिम्मेदार खड़क सिंह के यहाँ डाका डालने आ रहा है, अगर तुम में हिम्मत है तो आकर गिरफ्तार करो। डाकुओं का सरदार, यूपी का दिलेर, बिजनौर का शेर सुल्ताना डाकू। बहुत अच्छा सरदार जी। गुलाम हैदर का बच्ची। यस किलोमीटर। तुमने उधर कुछ सुनी? जी। तुम लोग इधर रहती नहीं सुनती है? सुल्तानी तारीख 3 को खड़क सिंह जिम्मेदार के यहाँ डकैती डालने जाती है। अरे बाप रे, तुम लोग उधर अपना फौज तैयार करना, हमारे साथ चलना मांगती है, हम उसको उधर अरेस्ट करना मांगती है। डिप्टी कासिम साहब, आप हमका छुट्टी दिला दो। हम छुट्टी दिला दे? हाँ, हमका छुट्टी देवा दो। बात यह है कि हमरे के यहाँ दुल्हन के लौंडा पैदा हुआ, हम समर बैठ जाए के यहाँ। चुप, गुलाम हैदर का बच्ची। वाह, तुम इधर 3 साल से अपने घर नहीं गया, तुम्हारी बीवी के बच्चा किधर से आया? वाह गांव वाले, मेहरबानी है साहब,
ओ माय गॉड, तुम उधर गांव वाला का ऊपर छोड़ती है। खेती इतना बटाई दे दी थी, वही ठीक है, बटाई चाहिए। तुम हमारे साथ खराक सिंह जमींदार के घर चला मांगती है। आओ चलो चलो चलो। अबे तू क्यों चुप है, हैं क्या सोचता है? अरे सोच, 3 महीने हुए तेरी शादी के, तेरे घर में बच्चा होने वाला। बात यह है कि वह हम मौसी बिटिया है भगाए ला रहन, ओ तो उके खिया जोन है वह साथ में यहाँ गड्डम सड्डम। अबे 3 महीने तेरी शादी के, 3 महीने तेरी औरत की शादी के, और 3 महीने का बच्चा, 9 महीने तो हो गए। वाइट को देर करना मांगती है, जल्दी चला मांगती है। चलो 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 चलो। हाँ पिताजी, कौन जाए इसी खंबे से जमींदार को? कौन सी बात, कौन है आप लोग? कौन देख का तेरे नुकसान का दिल रुबा, और दिल ये काबू के बाहर हमारा हुआ। स्वर्ग की अप्सरा प्यारी गुंचे दहन, तेरी आंखों से घायल जिगर ये हुआ। इस तरह से सताओ पिता को नहीं, बस यही एक फरियाद है आपसे, कर दे मुझको कत्ल बड़े शौक से, छोड़ बापू को दो इल्तिजा आपसे। लेकिन कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? ए मेरे पिताजी हैं, और मेरा नाम सुंदरी है। सुंदरी, नाम से ज्यादा तुम सुंदर हो मेरी जान। किस तरह से करूं कत्लू प्यारी तुझे, शक्ल भोली तेरी दिल में है बस गई। बाप को छोड़ दूंगा और तुम्हारे अभी धड़कने मेरे दिल की जो तुम बन गई। जले पर हो छिड़कते नमक, शौक से मेरी दौलत को ले जाइए, बख्श दो जान वालिद की ख्वाहिश सही, इतना नजरे करम मुझ पे फरमाइए। सुंदरी, मुझे बातों में मत बहकाओ, जो कहता हूँ मेरी बात मान जाओ, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ, वरना मैं जो चाहता हूँ जबरदस्ती करूंगा। ठहरिए, जब मुझे चलना ही है तो गड़ी हुई दौलत साथ लेती चलूंगा। आप यहीं ठहरिए, मैं दौलत खोद कर अभी वापस आती हूँ। अरे बेटी ये क्या कर रहे हो, अरे मुझे छोड़ दो और मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी की इज्जत से मत खेलो। खामोश साथियों, कुएं में गिरने की आवाज मालूम होता है, सुंदरी कुएं में गिर गई, भागो। हेलो सरदार, ये पोस्टमैन मेरे हाथ से निकल रहा था और मैं इसको पकड़ के इधर लाया। कौन सिपाही जी? ये सब बता दे सिपाही मुझे, इस घड़ी किस तरह से तू आता कहां जा रहा, झूठ बोला तो रही अदम का बने, फालतू बातें सुल्ताना क्या कह रहा। फर्म बरदार हूं और मिस्टर अंका सुनो, और डाकुल की हिले करके मैं जा रहा, और शाम नगर बे है मेरा मकान भी सुनो। ताकि यंग साहब की ताबेदारी करते हो और वर्दी फटी हुई है, काफी परेशान रहते हो, कितनी तनख्वाह मिलती है? 9 रुपए माहवार और खाने वाले 4। ठीक है, मेरा काम है
अमीरों को लूटना, गरीबों की मदद करना, तुम मुझे गरीब मालूम होते हो। मैं तारीख तीन को शाम न कराकर तुम्हें कुछ पैसा देकर तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। गुलाम हैदर, अलीटा पोस्टमैन क्यों नहीं आया? वो आ गया सर। हाजिर हूँ सर, और एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। सुल्ताना तारीख तीन को श्याम नगर आएगा, आप वहीं चलकर गिरफ्तार करेंगे, वरना इससे अच्छा मौका कभी नहीं आएगा। तुम जाओ, हम श्याम नगर को तीन तारीख जरूर उठा फौज लेके पहुंचेगा और सुल्तान आश करेगा। कौन डाकिये तुम? ये बच्चा तुम्हारा है? ये लो सरदार। लाओ मुझे दे दो। मदान कहिए सरदार जी। डाकियों को 4,000 रुपया देकर विदा करो। बहुत अच्छा सरदार जी। प्रधान बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो गया सरदार जी? होगा, आज से 5 साल पहले एक साधु महाराज मिले थे। हाँ वो तो मिले थे। था कि जिस दिन तू 5 साल बच्चे को गोद में उठाकर 4,000 रुपया इनाम देगा, उस दिन तू पकड़ा जाएगा। हाँ सरदार जी, ये तो कहा था, तो बहुत गजब की बात। आज उस बाबा का दिया हुआ वचन मुझे याद आ रहा है। खैर, ये घनेरा जंगल चश्मे का किनारा है, हम कुछ देर यहाँ ठहर कर आराम करेंगे, फिर आगे चलेंगे। बहुत अच्छा सरदार जी। पहला होशियारी से लगा। अच्छी बात है सरदार जी। वो गुलाम हैदर। यस सर। वो सुल्तानी इधर सो रही है। बड़े सांप, बड़ा अच्छा मौका है। बड़े सांप, जल्दी चलिए गिरफ्तार करिए, सांप सो रहे हैं। सांप नहीं, बड़े सांप। गुलाम हैदर, गुलाम हैदर, भाई तुम इसके साथियों को अपने उधर अरेस्ट करना मांगती है। पहनना मांगती है। जी सर। ये रहा रिवॉल्वर और ये रही बंदूक और ये तलमलार है। चलो बांध लेते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। वाइट बांध लिया? जी सर। वाइट, हम जो सुल्तान को जगाती है। ये उठ खड़ा हो शेर बिजनौर, ये आज की है घड़ी मुबारक बड़ी, जो कि तुमको गिरफ्तार है कर लिया। बड़ी मुश्किल से आया और मेरे हाथ तू आखिरत काबू में तुमको है कर लिया। मिस्टर यंग, साथियों की मेरे कोई गलती नहीं, इन सभा को किया क्यों गिरफ्तार है, ले चलो मुझको चाहे जहां यंग जी, मैं करूंगा नहीं आप परवार है। क्या तेरी बातों का विश्वास और हर किस नहीं, क्या सबक पिछमरी तू करे साथ में, डाकू की जात होती और दगाबाज है, इसलिए हथकड़ी डालूंगा हाथ में। मैं कह चुका जो सुबह से वो पलटू नहीं, करिए मेरा यकीन, करिए मेरा यकीन, करिए बर्बाद डाकू की इज्जत नहीं, हाथ में मेरे पहना एक परहन पड़ी। सुल्तानी, वह क्यों हमको बताना मांगती है इधर डाकू कैसे बना? ये बहुत ही पुरानी दास्तान है, हम सुनना मांगती है। मैं बहुत ही गरीब था, मेरे घर में फाके पड़ा करते थे। मैंने एक दिन भूख की शिद्दत से परेशान होकर मुर्गी का अंडा चुराया और वो अंडा ले जाकर मैंने अपनी माँ को दिया। मेरी माँ दो चार थप्पड़ मारती, मेरी आदत छूट जाती, लेकिन मेरी माँ ने मुझे शाबाशी दी, बेटा ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह मेरी हिम्मत बढ़ी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 और आज इतना बड़ा डाकू बन गया। ये मेरी कहानी है। सुल्तानी, तुम वाकई बहादुर है। आज आगरे की जेल में रखी जाओगी, कल अदालत में पेश किए जाओगे, तुम्हें जो फैसला सुनाएगी अदालत तुम्हें मंजूर करनी होगी। मिस्टर यंग, बहादुर जरूर हूँ, लेकिन अफसोस आपके हाथों पकड़ा गया। चलना मांगती है गुलाम हैदर, ले चलना मांगती है। बहुत सी बात, चलो। हाँ मेरे दोस्तों, अभी आपने सुनी नौटंकी सुल्ताना डाकू, जिसमें भाग ले रहे थे कलाकार सुल्ताना डाकू के रोल में मास्टर मोहम्मद रफीक चांदन लखनऊ और सिमरना यंग के रोल में थे अकील पेंटर चांदन लखनऊ और शेर सिंह डाकिये के रोल में थे मास्टर राजू मस्ताना चिन्हट लखनऊ। गुलाम हैदर के रोल में अशोक लखनऊ और उनका साथ दे रहे थे सूखे के रोल में थे हमारे मास्टर राशिद नंबरी और हमारे
प्रधान के रोल में थे मास्टर जमील अहमद, फूल कुंवर के रोल में थी शोभा रानी, और नक्कारे पे हैं हमारे मास्टर तजम्मुल हुसैन लखनवी, और हमारे बाजे मास्टर हैं गेंदेलाल उन्नाव, और हमारे ढोलक पे थे राजकुमार। गोल्ड ऑडियो कैसेट्स के निर्माता नदीम लखनवी पेश करते हैं आपके लिए आपके मनपसंद कलाकारों के गीत, गजल, कव्वाली, नौटंकी, भोजपुरी गीत और भजन। धार्मिक प्रवचन हो या हो इस्लामी कव्वाली, गोल्ड ऑडियो की बात ही निराली।